हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में 3 करोड़ की लागत से बनेगा अंडर ब्रिज, कार्य योजना तैयार। जिला मुख्यालय पर करीब 50 साल पुरानी रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज की समस्या के आने वाले नए साल में समाधान होने वाला है। शास्त्री नगर रेलवे फाटक पर 3 करोड़ की लागत से अंडर ब्रिज बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। करीब 3 फीट ऊंचाई और 5 मीटर चौड़ा अंडर ब्रिज बनाने के लिए रेलवे से अब इजाजत मिलने का इंतजार है। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने 2 दिन पहले इस प्रस्तावित कार्य क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसी कड़ी में गुरुवार को रेलवे की ओर से निरीक्षण किया गया। पीडब्ल्यूडी ने रेलवे से अंडर ब्रिज बनाने के लिए स्थान का चयन कर अनुमति मांगी है। विधायक मेवाराम जैन की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 करोड़ की लागत से शास्त्री नगर फाटक पर अंडर ब्रिज बनाने की सौगात दी थी। इसके बाद अब कवायद शुरू कर दी गई है। करीब 1.5 माह में कोटा से टीम आकर सर्वे कर DPR तैयार करेगी। इसके बाद DPR को जयपुर भेजा जाएगा और नए साल में अंडर ब्रिज का काम शुरू हो जाएगा। बुधवार को बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, सभापति दिलीप माली और PWD के अधिकारियों ने अंडर ब्रिज निर्माण के लिए मौका स्थल का निरीक्षण किया था। बाड़मेर शहर का पहला अंडर ब्रिज शास्त्री फाटक पर तैयार होगा। यहां 24 घंटे में करीब 25 से 30 बार फाटक बंद होता है। ऐसे में शास्त्री नगर, गांधी नगर, विष्णु कॉलोनी, रिको, कृषि उपज मंडी, रामनगर स्थित कई इलाकों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये कहें कि जैसे ही फाटक बंद होता है तो शहर 2 भागों में बंट जाता है। PWD की ओर से अंडर ब्रिज बनाने के लिए मौका स्थिति का सर्वे किया गया है। PWD की तरफ से स्थान को चिन्हित किया गया है, लेकिन रेलवे की टीम अब इस स्थान को देखेगी। इसके बाद काम शुरू होगा। दरअसल ये शहर का पहला अंडर ब्रिज होगा। फिलहाल शहर में कहीं भी रेलवे क्रॉसिंग के नीचे अंडर ब्रिज नहीं है। ऐसे में 3 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अंडर ब्रिज की खासियत ये होगी कि यहाँ पानी का भराव नहीं होगा। शहर की तरफ से ढलान ज्यादा होने से पानी बहाव के साथ आसानी से निकल जाएगा। करीब 3 मीटर की हाइट और 5 मीटर चौड़ा ये अंडर ब्रिज होगा, जहाँ से छोटे छोटे वाहन भी आसानी से निकल सकेंगे। दिन भर में फाटक बंद होने से बार बार लगने वाले जाम से मुक्ति मिल जाएगी। विभागीय कार्य योजना अनुसार रेलवे विभाग से अंडर ब्रिज बनाने की स्वीकृति इसी माह तक मिल जाएगी। वहीं कोटा की कंपनी को इसी साल नवंबर तक DPR बनाकर देने का जिम्मा सौंपा गया है। अगले वर्ष के आरंभ में निविदा जारी करने की योजना है। 3 करोड़ की लागत वाला ब्रिज 6 माह में तैयार हो जाएगा। बाड़मेर के अंदर जो मेन समस्या है, कृषि मंडी और बाड़मेर के 2 भागों में, ये जो शास्त्री नगर, गांधी नगर और कृषि मंडी, तीनों के जाने के लिए ROB की आवश्यकता थी अंडर ब्रिज की। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, अभी उन्होंने पैसे भी स्वीकृत कर दिए और मौके पे हम PWD SC साहब है, एक्शन PWD है, नगर परिषद है, चेयरमैन साहब है, सारे ही हम मौका देख रहे हैं कि कहाँ से निकलना चाहिए। तो अभी ये मौका ही देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी इस काम को हम रेलवे से टाइप करके और इस काम को शुरू करेंगे ताकि जनता को राहत मिल सके। सर कितनी बड़ी राहत मिली, क्योंकि इस शास्त्री नगर की इस पट्टी के दोनों तरफ शहर आधा आधा बंटा हुआ है, तो ऐसे में आम जन को, शहरवासियों को कितनी बड़ी सौगात? बहुत बड़ी सौगात होगी सर, इससे आपके दोनों गांधी नगर, शास्त्री नगर, उससे आगे भी पूरे बाड़मेर आधा बसा हुआ, उनको राहत मिलेगी। कृषि मंडी के सारे व्यापारी शहर से उनको दोनों आना और जाना पड़ रहा उनके लिए, और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको बहुत बड़ी राहत बाड़मेर के लिए है। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा और जनता को राहत मिलेगी। जागरूक TV के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।